अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द वन हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम इसकी एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये फिगर हम इसकी ड्रा कर लेते हैं इस तरह। हम ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हम इसको ओ का नाम ले लेते हैं, इसको ए का और इसको बी का। इसी तरह ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा ए, इसी तरह ये बी और ये ओ है वो ज़ीरो होगा। ए और बी हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है, इसका अगर मैं मिड निकालूं तो ये बनता है, ठीक है। इस मिड को मैं एम का नाम दे लेता हूँ जी। मिड पॉइंट किसका फाइन करते हैं जी, इन दोनों का प्लस करके टू पर डिवाइड कर देते हैं, ए प्लस बी ओवर टू, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि किसी ट्राइंगल में आपने ये साबित करना है कि मीडियन है हाइपोटेन्यूज तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास बराबर है इसके हाफ का, यानी कि हाइपोटेन्यूज का अगर हाफ कर दें वो इस मीडियन के बराबर होगा ओ एम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, इन लेट ओ ए बी ट्राइंगल एंड ओ द रीजन एंड ओ ए ओ बी, ये हमारे पास इसकी जो वेक्टर हैं हमारे पास आ जाते हैं जी, ये बी और मीडियन, लेट एम इज द मीडियन ऑफ हाइपोटेन्यूज एम है। तो एम हमारे पास क्या है जी, ये है। ओ एम हमारे पास क्या होगा, ओ एम वो भी हमारे पास ए प्लस बी ओवर टू। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने ट्राइंगल से फाइंड की हैं। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव करना है ये जो ओ एम है इसकी जो लेंथ है ये इक्वल होगी वन हाफ ऑफ इस हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, यानी कि ए बी का हाफ करे वो ओ एम के इक्वल होगा, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले जी लिख लेते हैं जी नाउ ए बी लेंथ ले लेते हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं। लेकिन ए बी लेंथ क्या है, ए बी हमारे पास ए बी पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो ए बी हमारे पास जो वैक्टर है वो क्या बनता है जी, बी माइनस ए, ठीक हो गया। तो ए बी का स्केयर कर लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा माइनस ए इसका स्केयर, इस तरह हम ए माइनस बी का स्केयर ओपन करते स्केयर ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास इसको लिख लेते हैं हम इस तरह लिख लेते हैं जी, बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस ए डॉट ए। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी प्लस ए का स्क्वायर, बाकी आ जाए माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं तो हमारे पास आ जाए माइनस टू इंटू ए डॉट बी, ये हमारे पास आ जाता है जी ए बी लेंथ आ जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये जो ए डॉट बी मैंने लिखा है ना ए डॉट बी, अब यहाँ से हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना ए डॉट बी ओ ए ओ बी दोनों एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर है,
जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। ओ ए डॉट ओ बी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो ओ ए ओ बी, ओ ए क्या है, ओ ए है हमारे पास ए, ओ बी के हमारे पास बी, ए ओ डॉट बी क्या होगा, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे ए डॉट बी जीरो यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा जी इसका स्केयर प्लस बी का स्केयर, इसके इक्वेशन वन का नाम दिया है। ठीक हो गया, अब ओ एम लेते हैं जी, देन ओ एम। अब ओ एम क्या है, ओ एम ये है ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर टू इसका स्केयर, टू का स्केयर लेंगे तो फोर हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा फोर, ऊपर आपके पास आ जाएगा जी ए प्लस बी, इसको टू टाइम लिख लें डॉट ए प्लस। उसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपके पास क्या आएगा फोर, ऊपर आपके पास आ जाएगा ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए इसका स्केयर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस टू इंटू ए डॉट बी, ये हो जाएगा। अब ए डॉट बी क्या है, जीरो है, ए डॉट बी जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपके पास रह जाएगा प्लस इसका स्केयर, ओवर आपके पास आ जाएगा फोर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, चीज बन गई। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमने लिखा हुआ है वो फोर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमारे पास किसके इक्वल बनता है जी, ये जो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है, ए बी का होल स्केयर। तो मैं इसकी जगह पे इस ऊपर जो लिखी वाली, इसकी जगह पे मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ, लिखेंगे जी फ्रॉम वन ओ एम, ये सारे का स्केयर हो जाएगा, ए बी इसका स्केयर, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा फोर, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे इसके खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे ऊपर उसके खत्म हो जाएगा, नीचे आपके पास रह जाएगा ओवर टू। तो ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ये देख लें साबित हो गई है, तो लिखेंगे जी हैंस प्रूव, जो चीज़ हमने साबित करनी थी वो साबित हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग कंजक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर और फॉर्म अ स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के जो मिड पॉइंट्स हैं हर साइड के, उनसे जो बनने वाली शेप है वो भी एक स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्क्वायर बना ली है, अब इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला और ये चारों मिड पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ जी इस तरह, तो ये जो चीज़ अंदर बन रही है ये भी हमारे पास एक स्क्वायर होनी चाहिए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये हमने नाम दे लिया जी ओ ए बी सी, अब ये जो मिड पॉइंट्स बने हैं इनको भी नाम दे लेते हैं जी, इसको भी नाम ले लेता हूँ जी मैं ई एफ जी एच, ये ज़ीरो है, ए है ऑब्वियसली, ए वेक्टर लिख लेंगे इसको जिस समय पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, इसको बी, अब ये सी के साथ निकाला था हमने उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस बी। अब मिड पॉइंट्स निकालने हैं जी, ई मिड पॉइंट किस तरह होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे टू पर डिवाइड करेंगे तो जीरो प्लस बी क्या होगा, बी होगा, बी को टू पर डिवाइड करेंगे तो उसके आ जाएगा जी बी ओवर टू, सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर टू एच के। जी के किस तरह होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू ए ओवर टू ए प्लस बी ओवर टू, और ये हमारे पास आ जाएगा टू बी प्लस ए ओवर टू, टू बी प्लस ए ओवर टू। तो ये हमने क्या कर दिया, इनके
मिड पॉइंट से निकाल ली। अब हमने इसको साबित करना, ये हमारे पास एक स्क्वायर बनती है, तो स्क्वायर बनने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर की हर साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं ये चीज़ साबित कर दूं कि एच जी जी एफ एफ ई और ई एच, ठीक है, ये सारी साइड्स आपस में बराबर हों, तो हमारे पास यानी कि एच जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू जी एफ एफ ई इज इक्वल टू ई जी ई एच, ये सारे अगर बराबर हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बनेगी। और उसके साथ हर यहाँ पे हर कोने पे इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। स्क्वायर में हम ये चीज़ देखते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या दूसरी 90 एंगल के लिए हमें फिर साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो एच जी है, एच जी ये एंगल बना रहा है ई एच के साथ, या वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारे पास, या फिर एच जी इस परपेंडिकुलर टू ई एच, ये दो चीज़ें ये हमें चेक करनी है जी। अगर ये चीज़ बाकी हो जाती है तो हम कहते हैं बाकी हमारे पास इनके मिड पॉइंट से जो शेप बन रही है वो भी एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं जी, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। मैंने पहले लिख लिया जी हमारे पास ओ ए सी बी एक स्क्वायर है जिसके पोजिशन वैक्टर रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिए जी, ओ ए इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू बी और ओ सी हमारे पास आ गया ए प्लस बी, ठीक है। फिर हमने आगे लिखा जी कि ये जो ई एफ जी हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स हैं और ये इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बनते हैं जी वो हमने इधर लिख लिए। हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि ई एच एच जी जी एफ एफ ई ये सारी साइड्स आपस में क्या है बराबर है। सबसे पहले लिख लेते हैं जी एच जी लिख लेते हैं जी, लिख लेते हैं जी एच जी, ये हमारे पास आ जाएगा ओ जी माइनस ओ एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ओ जी क्या जी, ओ जी हमने लिखा हुआ इधर ये टू ए प्लस बी ओवर टू माइनस ओ एच ए ओवर टू। एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे तो उसका एल्सियम टू आ जाए, ऊपर आ जाएगा टू ए प्लस बी माइनस ए, टू ए प्लस बी माइनस ए, तो एच जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एच जी हमारे पास आ जाएगा टू ए में से माइनस करेंगे ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर सॉरी टू ए में से माइनस करें तो ए रह जाएगा ए प्लस बी ओवर, हाँ ए प्लस बी ओवर टू, ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एच जी की आ जाएगी, ठीक हो गया। इसका अगर मैं लूँ जी स्क्वायर लूँ तो ये हमारे पास दोनों साइड में क्या आ जाएगा जी ए प्लस बी, इसका स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी आ जाएगा स्क्वायर। अब ए प्लस बी दो दफ़ा लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी ओवर टू स्केल लिख तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, हमने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, एच जी हमारे पास आ जाएगा इसका स्केयर, ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी ए का स्केयर, पी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी का स्केयर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी प्लस टू ए डॉट बी, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई किया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे इनको क्या करता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ओ ए ओ बी दोनों किसी के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, ये सारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एच जी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस ओवर आपके पास आ जाएगा फोर। अब उसी तरह ये आपके पास आ जाएगा बी का स्केयर, अब बी का स्केयर आपके पास क्या होगा, बी का स्केयर आपके पास बन जाएगा ए का स्केयर। अब यहाँ पे हमने ये किस क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों क्या हैं सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि ये बार जो ओ ए बी सी हमने लिखी है ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं, ओ से लेकर ए तक ए है तो ओ से लेकर बी तक बी है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर मैं इसको ए लिखता हूँ तो इसको भी मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर की हर साइड्स क्या होती हैं
बराबर होती है। तो इस बी की जगह भी मैं क्या लिख लूंगा, ए ही लिख लूंगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एच जी इस तरह आ जाएगा प्लस ओवर फोर फोर टू टाइम कैंसल, दोनों साइड में मैं अंडर रूट ले लूँ, इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। नीचे आपके पास टू का क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगी आपके पास एच जी की वैल्यू। इसी तरह जब आपने फाइंड करनी है जी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी तरह ठीक है, इसके जब हम डिस्टेंस लेते हैं ये हमारे पास आएगा जी एफ, हमारे पास क्या आएगा जी ओ एफ माइनस ओ जी इसका स्केयर। अब ओ एफ क्या है जी, ओ एफ हमने फाइंड किए हुए पीछे, ओ एफ हमारे पास टू बी प्लस है ओवर टू माइनस, हमारे पास आगे आ रहा है जी ओ एफ ओ जी, ओ जी की वैल्यू हमने निकाली हुई है जी टू ए प्लस बी ओवर टू ए प्लस बी, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे जी टू आ जाएगा, आ जाएगा टू बी प्लस ए माइनस टू ए माइनस बी, सारे का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा जी टू बी में से बी माइनस के तो बी आ गया, इधर आ गया बी माइनस ए बी माइनस, नीचे आपके पास आ जाएगा फोर, ऊपर इसका क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, जी एफ लेंथ इसकी हमारे पास आ जाएगी, स्केयर ओपन करेंगे इसका जी, इसका आगे पास आ जाएगा बी का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस टू ए डॉट बी ओवर आपके पास आ जाएगा फोर। अब ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आ जाएगा प्लस ओवर आपके पास आ जाएगा फोर। अब ये जो हमने पीछे भी फाइंड किया है ये चीज़, ये किसके इक्वल बना जी, सारा बना जाके ए ओवर अंडर रूट टू, तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी वो चीज़ बन गई है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख लूँगा जी अंडर रूट टू। ये किसकी जगह भी आ गई, जी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि जब स्केयर ख़त्म करेंगे ना, इधर मैंने अंडर रूट लेकर स्केयर ख़त्म किया तब जाके ये वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये डायरेक्ट मैंने लिख लिया जी, जी एफ हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमें तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तीसरी वैल्यू कौन सी है जी, जी एफ होगी एफ ई, एफ ई को जब हम सॉल्व करेंगे सिमिलरली ओ ई माइनस ओ एफ, सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ ई की वैल्यू क्या है जी, ओ ई की वैल्यू हमने लिखी हुई है पीछे जी, ओ ई की वैल्यू है हमारे पास बी ओवर टू, ओ एफ की वैल्यू क्या है जी, ओ एफ की टू बी प्लस ए ओवर टू, सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी बी माइनस टू बी प्लस ए, ये हमारे पास आ जाएगा बी ए माइनस बी, इसका स्केयर ऊपर नीचे आ जाएगा आपके पास फोर, नीचे आपके पास आ गया जी फोर, ऊपर इसका स्केयर ओपन करेंगे जी इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर माइनस टू ए डॉट बी, ये जीरो हो जाएगा। इधर आपके पास आ रहा है जी एफ ई इसका स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा ओवर आपके पास आ गया फोर। देखें फिर दोबारा वही चीज़ बन गई है, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी सारा आ जाएगा तो तीसरी वैल्यू जो फाइंड करेंगे ना सिमिलरली आपने फाइंड करा लेनी है इसी मेथड से, वो भी आपके पास यही वैल्यू देगी, वो कौन सी है जी आपके पास एफ ई, तो एफ ई के बाद ई एच, ई एच तो ई एच की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके खत्म हो जाएगा अंडर रूट लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी
तो चारों वैल्यूज बराबर हैं, तो लिखेंगे सो ई एच इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू एफ ई। जब सारे इक्वल है तो ये क्या हमारे पास बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एच जी परपेंडिकुलर है ई एच के, यानी कि एच सो एच जी इज परपेंडिकुलर टू ई एच, ये भी पता चल गया। ये किससे पता चला जी, एच जी क्या है, एच जी हमने फाइंड किया हुआ है और ई एच दोनों से क्या परपेंडिकुलर आ रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या वो जीरो के इक्वल बन सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जी ड्राइव अ फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। इन स्पेस में हमारे पास दो पॉइंट हैं, उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करना। तो ये हमने स्पेस में दो पॉइंट ड्रा कर लिए, एक को पी का नाम दे लिया, एक को क्यू का नाम दे लिया। एक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जी, हम नोट कर लेते हैं ये एक्स वन है, ये वाई वन है और ये जी वन है। इसी तरह ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं जी, ये एक्स टू वाई टू और जी टू है। ठीक हो गया, ये हमारा ओरिजिन है, इसको ओरिजिन से मिला देते हैं जी, ये भी इसको ओरिजिन से मिला देते हैं जी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जी ओ पी क्यू। ठीक है, लिखते हैं जी, सबसे पहले जी पॉइंट लिख लेते हैं जी, लेट पी इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जी वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जी टू बी दी टू पॉइंट्स इन दिस स्पेस। अब क्या लिखते हैं जी, ओ बी पोजिशन वेक्टर में अगर फाइंड करूं तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के। ओ क्यू में अगर लिखता हूं जी तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जी टू के। ठीक हो गया, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। तो लिखते हैं जी बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, पी क्यू किधर रखेंगे, ओ पी को उठा के तो ले जाएंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये हमने पी क्यू के उधर क्यों रखा है, क्योंकि हमने पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, इसलिए हमने पी को उधर रख दिया। जो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू माइनस, ओ क्यू क्या जी, ये एक्स टू आई वाई टू जे प्लस जी टू के माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के। माइनस करते हैं जी इनको, पी क्यू आपके पास आ जाएगा जी एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे जी टू माइनस जी वन। ठीक हो गया, अब इसकी लेंथ ले लेते हैं जी, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स टू माइनस एक्स वन इसका स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर जी टू माइनस जी वन का स्केयर, सारे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। लिखेंगे हैंस इट इज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया।